आप बस मुझे रकम दे दें, मैं आपको ओरिजिनल पेपर दे देता हूँ। जरा हम भी तो देखें मिस्टर हारून, क्या आपके पास कौन कौन से पेपर हैं? आप कौन कौन है भाई, आप कौन हो? हम आपके ससुराली हैं, धूमधाम से दूल्हा बनाने आए हैं आपको। ले चलो इसको गाड़ी में, दो चार दिन हमें भी खिदमत का मौका दो। अभी हम जिलानी बाबा से मिलकर आ रहे और अभी फारत का फोन आ गया। सच्ची? आज तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अम्मा सच कह रही है? अरे हाँ, और तो और असल खबर तो सुन। अरे फरत बता रही थी कि शम्स मियां भी मान गए शादी के लिए।
मुझे हैरत हो रही है तुम्हें अब भी उस शख्स की परवाह। मुझे इस हाल में तुम्हें देखकर बहुत तकलीफ होगी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुमसे उसकी शादी बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसी कोई बात नहीं है फारूक, शख्स के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। मैं तो सिर्फ मामू की तरफ से दुखी। जानते हैं कि अदीले मुझे कितनी अजियत, सब कुछ जानते हुए तैयबा का रिश्ता उसे करवा दिया। उन्होंने मेरा एतबार क्यों नहीं किया? सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अनिल को कबूल कर लिया और अब मैं कहाँ खड़ी। उन्होंने एक दफा भी नहीं सोचा कि मुझे कितना दुख होगा, मुझ पे क्या गुजरेगी। और मुझे तुम्हारे इस तरह रोने से तकलीफ हो रही है रानी, प्लीज अब बस कर दो। प्लीज फारूक मुझे घर ले जाओ, सब कुछ घर ही जा रहे हैं, बट प्लीज रिलैक्स। तुम जानती हो ना मुझसे इतना ड्राइव नहीं होती, प्लीज। रानी तुम्हें पता है मैंने कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं, किसी लड़की के बारे में सोचा। तुम मेरी जिंदगी में पहली बार जैसे पहली नजर में देखो मुझे मोहब्बत हो गई। मैं वादा करता हूँ कि तुम हमेशा प्यार करो, तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखो। बकवास बंद करो, मैं कोई वजाहत नहीं मांग रहा। मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं कि तुम कहां थी, किसके साथ थी और क्यों थी। मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है। खुदा का वास्ता है दीन, सुना के खुदा का भाई, मेरे से कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े, मेरा यकीन करें। रानिया मैं अपने होश आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। रानिया मैं अपने होश आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। बस ये थी पूरी का, उसने शादी कर ली उससे और रानिया को छोड़कर उसकी कजन से दोबारा शादी की। ये तो बहुत बुरी खबर है, रानिया तो बहुत अपसेट होगी ना। रानिया का बहुत दुख हुआ है। जाहिर सी बात है, उन लोगों ने रानिया के साथ कोई अच्छा तो नहीं किया ना। और मुझे तो यकीन नहीं आता कि शम्स अंकल ऐसा कैसे कर सकते। मुझे तो लगता है ये सारा किया धरा जो है वो फरत आंटी का, उन्होंने ही उसका घर खराब किया। हाँ वैसे हो सकता है कि फरत आंटी ने ही रानिया का घर खराब किया, क्योंकि देखने में वो लड़का तो बहुत माकूल सा लगता था मुझे।
आप ही एक नंबर का खटिया और शकी इंसान था। आपने देखा नहीं किस तरह उसने मुझे इस मामले में घसीट लिया। अच्छा ना, तुम इस वक्त इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ऊपर जाओ, जाके रानिया को देखो, इस वक्त तो उसे तुम्हारी जरूरत है। आयशा की फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी उसे। ठीक है। तुझपे तो बहुत रूप आए हैं, पर क्या फायदा? तेरा दूल्हा तो कहीं बैठा अपनी पुरानी महबूबा का गम मना रहा होगा। ये रानिया की बच्ची ना हमेशा मेरी खुशियों के बीच में आ जाती। राह खुद ढूंढ रही है मंजिल, धूप में मोम सा रखा हुआ दिल, बर्फ की आंच से पिघले क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम अपने दुख अपनी प्रॉब्लम भी मुझसे शेयर नहीं कर सकते? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। इधर देखो मेरी तरफ, अब तक रो रही? रोना नहीं चाहती। अरे मेरी कम आएगी का एहसास मुझे मिलाए जा रही। हानिया और हानिया की बहुत याद आ रही।
तन्हा महसूस कर रही। किसने कहा तुम अकेले? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब मामू ने एतबार नहीं किया तो फिर आपसे क्या होगा? लगता है अदील सच बोल रहा है। उसने जो इल्जाम मुझ पे लगाए वो सारे सच है। आनिया खुदा की कसम, अगर सारी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं अकेला तुम्हारे साथ खड़ा रहूं, तुम पे भरोसा करके, दूसरे के लाइफ पार्टनर। अगर किस्मत ने हमें अपनी जिंदगी साथ गुजारने का मौका दे ही दिया, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे वकार की हिफाजत करूं। मुझे कभी अकेला तो नहीं छोड़ेंगे? नहीं। आनी और नानी की तरह मुझसे दूर तो नहीं जाएंगे ना? मैं वादा करता हूं मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूं। आज आखिरी बार रो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। अपने सारे गम, अपने सारे दुख आज खत्म कर दो, बुला दो। आज से हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करें। खुश मुझसे कह रही थी कि रानिया का बहुत ख्याल रखना, उसको उदास मत होना। क्या हो रहा है? अरे वो नाश्ता तैयार कर रही हूँ, तब्बू के ससुराल भेजना है ना। कोई जरूरत नहीं इसकी। है क्यों? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? जब मैंने तुम्हें कह दिया कि उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगा तो ये सब करने की क्या जरूरत है?